गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम मोनिका रत्नू फ्रॉम लयाल पब्लिक स्कूल. सो स्टूडेंट, यस्टरडे आई हैव टॉट यू अबाउट बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन. आई होप द क्लियर इज कॉन्सेप्ट टू यू. ओके, सो टूडे आई हैव लर्न, वी हैव लर्न अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड देन सॉल्व सम एक्सरसाइज अबाउट ऑर्डिनल नंबर. Also solve a practice sheet which based on this whole chapter. Okay, so let's get start. Yes, increasing and decreasing order. Increase का मतलब क्या होता है? First of all, increase का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ते क्रम में, है ना. और decrease का मतलब क्या होता है? कम होना, मतलब घटते क्रम में, है ना. यहाँ हमें इस पिक्चर के थ्रू देखो समझाया भी गया है, ये ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, मतलब जीरो, जीरो से देन इंक्रीज हुआ फर्स्ट, वन, वन से इंक्रीज हुआ टू, टू से इंक्रीज हुआ थ्री, देन फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन. तो यहाँ क्या हो गया, इंक्रीज हुए हैं ये नंबर, है ना. जीरो थे हमारे पास में और इंक्रीज होकर क्या हो गए, हम टेन तक आ गए. अब यहां से हमें क्या करना है, इन नंबर को डिक्रीज करना है, मतलब कम करना है. सो देखो, लुक, टेन, नाइन, ये डिक्रीज हो गया, कम हो गया. देन एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो. हम फिर से कहाँ आ गए, जीरो पे आ गए, डिक्रीज होकर, है ना. तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ते क्रम में और डिक्रीज मतलब घटते क्रम में. क्लियर. इन इंक्रीजिंग ऑर्डर नंबर्स गो अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं. एंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर नंबर गो डाउनवर्ड. इसमें क्या दिखाया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर किधर आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं. मूविंग फ्रॉम अ ग्रेटर नंबर टू अ स्मॉलर नंबर इज नोन एज द डिक्रीजिंग ऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, मूविंग फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर टू अ ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर जीरो टू अ ग्रेटर नंबर 10, मतलब स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है. एंड मूविंग फ्रॉम अ ग्रेटर नंबर टू अ स्मॉलर नंबर इज नोन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो ग्रेटर नंबर इज 10 एंड स्मॉलर नंबर इज 0. सो मूविंग फ्रॉम अ ग्रेटर नंबर टू अ स्मॉलर नंबर, मतलब ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ आना, छोटे नंबर की तरफ आना क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है. ओके चिल्ड्रन, यस, नाउ वी हैव डू वन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5 ऑन पेज नंबर 22. Yes, number one is write each set of numbers in increasing order. हमें क्या करना है, हमें टू सेट दिए गए हैं और साथ में क्या दी गई है, स्टेयर्स दी गई है, जिन पे हमें क्या मेंशन करने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर. जैसा मैंने आपको बताया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते क्रम में, है ना. हमें क्या करना है, स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है. क्लियर. सो Our first exercise is, yes, here we get some number 6, 4, 5 and 1. Yes, on this stair, yes, 1 is already mentioned. यहाँ पे 1 पहले से mention है. Our next number is, हमारा next number क्या होगा? Yes, tell me. Okay, our next number is 4. And next is 5. Then last number is 6. So look, yes. यहाँ देखो, सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास में, 1 है. हमें इन्ही नंबर में से इसको फिल करना है ना. ऐसा नहीं कि 1 के बाद में हमें 2 फिल करना है, 2 के बाद हमें 3 फिल करना है, नहीं. हमें जो नंबर दिए गए हैं उसी में से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर को मेंशन करना है. तो हमारे पास में यहाँ पे कितने नंबर है, वी हैव Only 4 numbers. So, हमें ये 4 number ही यहाँ increasing order में mention करने हैं. तो 1 हमारे पास already है ना? 1 के बाद में क्या increase हुआ? 4. Then 4 के बाद में 5 and last number is 6. इसी तरह से second में देखो आप, B exercise. Yes, here we have also 4 number 8,
3, 9 and 10. So in stairs पे हमें कौन से नंबर मेंशन करने हैं? यही वाले नंबर मेंशन करने हैं. 3 इज ऑलरेडी गिवन, 3 पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 के बाद में हम कौन सा नंबर मेंशन करेंगे? लुक, यस, 3 के बाद में हम मेंशन करेंगे 9, नो, बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 8, है ना, ग्रेटर 8 से, 8 से तो बड़ा है 9, तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे? 8. Our next greater number is 9 and last number is 10. So look, 3, then 8, then 9, then 10. So ye kya ho gaya hamara? Increasing order ho gaya. Clear? Number 2 exercise is write the given numbers in decreasing order. Decreasing matlab ghatte kram mein, jaisa maine aapko bataya tha abhi hum stair pe chadhe the, hai na, abhi hame kya karna hai, stair se wapas utarna hai, niche ki taraf aana hai. Abhi hum kahan gaye the? Upward matlab upar ki taraf gaye the. Ab hame kahan aana hai? Downward matlab niche ki taraf lekar aana hai. Sabse bada number hame already diya hua hai और उसके बाद वाले मतलब उससे स्मॉलेस्ट नंबर हमें लिखने, छोटे नंबर हमें लिखने. क्लियर? सो फर्स्ट इज 1, 10, 5 एंड 6. इन्हीं नंबर्स में से हमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंशन करने. क्लियर? सो 10 इज ऑलरेडी गिवन हियर. आवर नेक्स्ट नंबर इज 6 एंड देन 5 and last is 1. Yes, last is 1. Next exercise, yes, 9, 2, 8 and 0. So 9 is already given. So our second number is 8. Next is 2 and last smallest number is 0. Okay, I hope you clear. Our next exercise on page number 23, write the numbers in increasing order. Increasing order matlab kya karna hai hame? Upward, badhte kram mein upar ki taraf jana hai. Clear? Okay, so here we get 6, 9, 3, 2, 7 and 5. Inhi numbers ko hame kya karna hai? Hame increasing order mein, sequence mein likhna hai, increasing order mein. Clear? So our first number is smallest to greater jana hai. Sabse smallest number kaun sa hai isme? 2. Find the next greater number of 2, 3. Yes. Next is 5. Our next number is greater than 5, 6. Next, 7. Yes. And our last number is also greatest, 9. Yes. Our next exercise, in this exercise, we have number names, है ना? इसमें numbers तो दिए हुए हमें, लेकिन किसके साथ में? Number names के साथ में, इनके names दिए हुए हैं. तो इसी तरह से हम इनको इस exercise में fill करेंगे. हमें number नहीं fill करके क्या fill करना है? Number names fill करना है. लेकिन कौन से order में? Yes, increasing order में. Clear? So first smallest, our first smallest number, find out. Yes, our first smallest number is 0. Z E R O. Okay. Our next number is in increasing order. Yes. 0 ke baad mein kya mention karenge hum? 2. T W O 2. Okay. The next number is 4, F, O, U, R, 4. Next one is 6,
S I X 6. Next is 9. N I N E 9. And last greatest number is 10. T E N. So look at children, यहाँ देखो हमने इनको increasing order में mention किया है. First में देखो आप 2, है ना, 2 के बाद में 3, बढ़ गया ऐसे increase हुआ number, then 5, then 6, then 7, then 9. तो ये क्या क्या हो गया इसमें, smallest से हम किधर गए, greatest की तरफ गए. इसी तरह से इसमें हमने smallest number क्या mention किया, 0, है ना, और smallest से हम ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे. तो 0 से बड़ा 2, देन 4, देन 6, देन 9 एंड लास्ट 10. ओके, यस. नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑर्डिनल नंबर. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनल नंबर? आप ऑर्डिनल नंबर के बारे में क्या समझते हो चिल्ड्रन? एन ऑर्डिनल नंबर इज यूज्ड टू शो द पोजिशन और ऑर्डर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना. ऑर्डिनल नंबर हमें क्या बताते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्या कहते हो, आई रीड इन क्लास फर्स्ट. मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, फर्स्ट क्लास में. आई रीड इन क्लास सेकेंड, आई रीड इन क्लास थर्ड. वो हमें क्या बता रहा है, हमारी पोजिशन बता रहा है. हम ऐसे नहीं कहते आई रीड इन क्लास 2, आई रीड इन क्लास 3. नो, दिस इज रॉन्ग. हम बोलते हैं आई रीड इन क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना. तो ये हमें क्या बताता है, अपनी पोजिशन, ऑब्जेक्ट की पोजिशन बताता है. क्लियर? देयर आर सम लेटर्स एंड ईच लेटर हैव वन ऑर्डिनल नंबर. हमें यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं और हर लेटर के साथ में एक ऑर्डिनल नंबर दिया गया है. लर्न अबाउट द ऑर्डिनल नंबर. क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर, एफ I R S T, first. One को हम क्या कहते हैं, first. Two is second, S E C O N D, second. Three is third, T H I R D, third. Next is fourth, F O U R T H, fourth. Next one, fifth, F I F T H, fifth. Next is sixth, S I X T H. Then seventh, S E V E N T H, seventh. Next is eighth, E I G H T H. Next is ninth, N I N T H. And last is tenth, T E N T H. माइंड इट, मतलब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फोर्थ की जो स्पेलिंग होती है, फोर्थ अगर बोला जाता है तो ये वाली स्पेलिंग इसमें क्या है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है. एफ ओ आर टी एच नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, एफ ओ यू आर टी एच होता है. और हम क्या लिखते हैं नाइन को, एन आई एन ई लिखते हैं ना, लेकिन नाइन्थ में ई नहीं होता है मेंशन. N I N E T H is incorrect spelling. Correct is N I N T H. Okay. Okay, children. So this exercise is your HW. ये आपका homework है जो आप अपने घर पे करोगे अपने parents की help से. Okay. We do our next exercise in our next meeting. Till then, you practice it on. Okay, till stay safe, stay home, take care. Bye-bye.